रणवीर साहब का कहना है कि जयपुर में पिछले सालों में काफी सारी नई कंपनियां क्या कहते हैं स्टार्टअप शुरू हुई है, तो ये उन पर स्टोरी करने आए हैं और हमारे शहर से परिचित नहीं है, तो इसलिए इनको हमारी मदद चाहिए, करेक्ट? राइट सर। तो मैंने सोचा इस काम के लिए तुमसे अच्छा कौन? भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली में मित्र हैं, उन्होंने इनको हमारे पास भेजा है, और फिर तुम भी काफी कुछ सीखोगी इनसे। तो ये जिम्मेवारी तुम्हारी रही, ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। बड़ी जल्दी जा रहे हो बहन जी, थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ी सी टेंशन और दे देते। मैंने सुना है टेंशन करने से ना वजन कम हो जाता है। मैं क्या तेरा वेट कम करने वास्ते आई हूँ? तू ना पीना बंद कर दे, वेट अपने आप कम हो जाना है। अरे तो फिर अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगी? वो तू देख, तेरी लाइफ है, तू संभाल। मैंने जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया, अगे तेरी मर्जी ते उस रब की मर्जी। अच्छा मेरी एक गल सुन, मैं ना आपसे दिल से माफी मांग रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर इसलिए क्योंकि जो हमने तरीका अपनाया ना वो गलत था। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, इस बात से ना हमारे रिश्ते पे कोई फर्क ना पड़े। निकी तू भी ना। आपका फेवरेट केक बनाया है, अब आप इसको खाए बना तो नहीं जा सकते? देखा इस लड़की को, अरे महीनों बाद इसने कुछ बनाया है। वैसे तो आभा सारा रेस्टोरेंट का काम संभालती है, कभी कभार ये भी कुछ बना ही लेती है। इसी बात पे मैं अदरक की चाय बनाती हूँ। मैं आपको केक देती हूँ। अरे रुक, तू मेनू केक पार्सल करके दे दे, रास्ते में खा लूंगी। मैं तो तुझे आज तक समझ नहीं पाई। बुआ जी मैं खुद खुद को नहीं समझ पाई, आप क्या समझोगे? तू भी ना। Hey, did I say something जो नहीं कहना चाहिए था? I mean in Mumbai. तुमको किस बात का बुरा लगा? At least tell me. देखिए मिस्टर मिरांडा, आप प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए। मुझे एक काम दिया गया है कि मैं आपकी हेल्प करूं, और जो मैं कर रही हूं, just because I have to keep this job. I get that and that's my second concern. तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की इस स्टूपिड से लोकल चैनल में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं जो भी करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके। चल निकी बला टली, तू ख्याल रख अपने लिवर दा और तुसी अपने दिमाग दा। आजा। कैसे हो? सॉरी मैं कल नहीं आ पाया, एक्चुअली मॉम को कुछ काम था तो उनके साथ जाना पड़ा। क्या काम था आपको? ये चेक करना एक बार। ये कब आया? ये तो करना ही पड़ेगा दी। I know, but इसमें खर्चा कितना आएगा? वो मैं पता करता हूँ। मैं ये लेटर रख लूँ, कल वापस कर दूँगा। हाँ, of course. अच्छा दी, आपके पास पैसे तो है ना इसके लिए? फिलहाल तो नहीं है, एक बार अकाउंट चेक करना पड़ेगा। इसमें तो ज्यादा पैसे लगेंगे ना? ऑलमोस्ट 30-40 लाख। उतने तो नहीं है, पहले के लोन के इंस्टॉलमेंट्स भी बचे हुए हैं, पता नहीं कैसे होगा। अरे दी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ अरेंज कर लेंगे, डोंट वरी। निखिल तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। तुम बस एग्जैक्ट अमाउंट पता लगाओ लीज का, मैं देखती हूँ। I'll do that. Bye. Thank you.
वी आर डन फॉर द डे, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? ठीक है. सो वेयर डू आई ड्रॉप यू? नो, ठीक है कि काम खत्म हो गया, आई विल मैनेज. आई कैन ड्रॉप यू? नो, यू डोंट नीड टू. प्लीज. Nothing, just got done with work. How about you? I guess half an hour. Okay, cool. Sounds good. Yes. Sure. See you. मुझे Albert Hall Museum के पास जाना है. आगे से left है ना? हाँ. जा रिक्शा दिखे वहाँ पर रोक दीजिए. I'll get off. Going on a date. तुझे सब कुछ जानना है ना? सब नहीं, बस इतना बता दो, इस बार आप सीरियस हो कि नहीं? ये टेंपरेरी वाला है या परमानेंट वाला? अच्छा, बताती हूँ. रिया से मिलने जा रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताया नहीं कि तू कबीर को जानती है? He was telling me कि तू उसकी हेल्प कर रही है असाइनमेंट में. वो मेरे बॉस ने बोला था तो इसलिए. और वो कह रहा था you're a fan of his journalistic writings. दिखता तो अच्छा है, लिखता भी अच्छा है. Please don't waste my time. वो थोड़ी shy type की है. She takes some time to open up. That's okay. काम पे तो ओपन अप कर लिया होगा थोड़ा सा, उसको लगता होगा. तुझे क्या लगता है, रिया इंटरेस्टेड है उसमें? बंदे से बात की है, वो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में काम करता था. वो कह रहा था कि ये लीज का काम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. ज़्यादा पैसे लगेंगे क्या? नहीं नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है. एक्चुअली आपके पापा ने ये प्लॉट एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में लिया था और अब म्यूनिसिपैलिटी वाले कैटेगरी बदल रहे हैं. मतलब ये कि अब ये जनरल कमर्शियल कैटेगरी में आएगा. एक नया अमेंडमेंट हुआ है, उसके हिसाब से चेंज किया है. ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? अब ऐसा ही है. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हमारी लीज खत्म होते ही ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाएगा और फिर इसके रेट आसमान छुएंगे, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ सकते हैं. और फिर अगर हमें लीज बढ़ाना है तो नए रेट्स पे करना होगा. अरे दीप, चीयर अप. मतलब हमारे पास टाइम है अभी. मैं एक काउंसलर से मिल रहा हूँ, मैं बात करके देखता हूँ. वी विल फिगर इट आउट समथिंग, कुछ तो करेंगे.
हम मेरे रेस्टोरेंट नहीं खो सकते। I know. हड्डियां बहुत मजबूत हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, फर्नीचर की बात कर रहा था। अच्छा, मेरे से मस्ती हाँ? मेरे से? अगर फर्नीचर टूट गया तो मम्मा मुझे डांटेगी, फिर मुझे पिकनिक में नहीं जाने देगी। कौन सी पिकनिक में जाना है तुझे? हमारे स्कूल से सब लोग शिमला जा रहे हैं, सिर्फ 7,000 रुपीज फीस है, हम लोग बहुत मजा करेंगे। हाँ तो वो फीस तो मैं दे दूंगी, पर एक शर्त है। इस घर में सीधी तरीके से कोई काम होता ही नहीं है। बोलो क्या है आपकी शर्त? मैं भी चलूंगी तेरे साथ। जाओ, मुझे नहीं आना। ले, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी। जा आर्यन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इस घर में ना सब लोग पागल है। बाय। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हमारी लीज खत्म होते ही ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाएगा और फिर इसके रेट आसमान छुएंगे, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ सकते हैं। और फिर अगर हमें लीज बढ़ाना है तो नए रेट्स पे करना होगा। पे ध्यान दो, अगले महीने आपके एग्जाम्स है ना, और ये फालतू की ट्रिप्स ना बाद में भी होती रहेंगी। पर नानू ने मुझे परमिशन दे दी है, वो मुझे पैसे भी देने वाले हैं। पैसे नानू दे या मैं दूं, इट्स अ वेस्टेज। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, दैट इज फाइनल। ओके दी, उसे जाने दो ना, पढ़ाई और एग्जाम से वैसे भी मैनेज कर लेता है। तू तो चुप ही रह, पूरे घर की लाइट्स ऑन है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, और इतना लाउड म्यूजिक ऑन करके कौन जाता है नहाने?
हे भगवान, इतनी गर्मी है, यहाँ पे कोई लाइट क्यों नहीं चल रही? एसी भी बंद है। अंधेर। मायरा, अरे एक ग्लास पानी पिला दो कोई। आप टेंशन मत लो, नारू ने हाँ कर दी है ना, आपकी मामा भी मान जाएंगी। ओके। अरे आबा तू है, प्लीज एक ग्लास पानी दे दे। कहाँ गए थे आप? क्या है ये सब? अरे तुझे पता है, सब जगह सेल लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया फुटवेयर आधे आधे दाम में। मैं तो चारों के लिए दो दो जोड़ी ले आई, ये देख। क्या जरूरत थी सबकी? ऑलरेडी सबके पास इतनी सारी चप्पलें, और कितनी चाहिए? और तू क्या है सब? किचन में कितना खाना वेस्ट किया तूने, और कितनी गंदगी, तू कभी खुद साफ नहीं कर सकती है क्या? आप लोगों को जरा सा भी आइडिया है इस घर में कितना वेस्टेज होता है? अरे कौन से रजवाड़े खानदान से हो भाई? हाँ कितना खर्चा आता है इन सब में, थोड़ी तो फिक्र करो, कहीं तो कुछ तो सेव करने की कोशिश करो। एटीट्यूड बदलो अपना, नहीं चलेगा ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग ना ध्यान से मेरी बात सुन लो, आज से इस घर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज नहीं वेस्ट होगी। इसे क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? क्यों, कुछ ठीक नहीं होगा तभी तुम लोग सुधरोगे क्या? क्या गलत कहा है मैंने? अगर हम थोड़े से खर्चे बचा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? हाय, आज तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, रिया विल हेल्प मी। वन मोर थिंग, तुम अपना मेल आईडी मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें कुछ इंटरव्यू की ऑडियो फाइल सेंड कर रहा हूँ, उन्हें ट्रांसक्राइब कर देना इंग्लिश में। ओके, थैंक यू। ये सब चल क्या रहा है? बहुत हो गया, और नहीं झेल सकती, अब तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों मानती हूं मैं उसकी हर बात? अरे रिया और कबीर का क्या सीन है? मिस्टर मिरांडा। अब मुझे ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है, तुम परसों तक भी दे दोगी, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर मिरांडा, आपके इंटरव्यूज आप करवा लीजिए जिससे भी आपको करवाने हैं, मैं आपकी ट्रांसक्राइबर नहीं, ना असिस्टेंट हूँ ना सेक्रेटरी, और अगर आप चाहे तो शिकावत सर से कंप्लेन भी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर बाजारी दो नैनों की पहले की आदत जो हट गई, वो कट गए। तू भी तू है, मैं भी हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई, तू न जाने मैं न जानू कैसे सारी बात पलट गई, घटनी थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई, चोर बाजारी दो नैनों की पहल थी आदत जो हट गई।
गई। थैंक यू। That was nice. Thank you. How's it going? Relaxing day. Hi, how are you? I'm good, thank you. Hey, मेरी आज की दोनों meetings cancel हो गई। मुझे जहाँ जाना था वहाँ rides शुरू हो गए। And that too because of some local rivalry. Indian never fails to surprise me. So yeah, मैं आज पूरा दिन free हूँ। बताओ, क्या कर सकते हैं? Coffee से start करें? Sure. Sounds good. आभादी, किसी को बोलो ना दो कप्स कैपेचिनो दे। तू खुद जाके ले ले। शाम तक हम लोग अंडरस्टाफ्ड है ना? और तू भी तो काम करती है जैसे मैं करती हूँ। So please. I don't know what's gotten into her. मैं बात करके आती हूँ। Sure. Just a second.